शादी से तुम्हें क्या परेशानी है? अरे परेशान तो हम हैं। अगर सही तरीके से तलाक नहीं दिया तो बात होगी कोर्ट में। क्या हुआ? वो क्या बोले? लक्ष्मी, बाबा के लिए पानी लाना। जो सोच रहा था वही हुआ। मतलब उन लोगों ने मना कर दिया? बाबा? हाँ? दाल बनाई क्या? हाँ। मैंने काफी विनती की पर वो माने नहीं। बोल रहे हैं कि बेटे की दूसरी शादी करेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? वहां खड़ी होकर क्या रो रही है? वैसे ही लोग तुझे पांच कहते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती? अगर लड़की के बदले लड़का होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रही है? जो होना है वो होगा। जमीन जायदाद बेच कर शादी की, अब फिर जिंदगी भर इसे पालो। भगवान मुझे उठा ले तो सारी परेशानी खत्म हो जाए। ए, सुनिए ना, आज है ना नायक अंकल हमारे घर आए थे। माँ ने उन्हें मेरे बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनो ना, अगर हम और एक घर किराए पे ले तो अच्छा होगा ना? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरे लिए मैं बाहर किराए पर घर लूं? लोग क्या बोलेंगे तुझे पता है? बोलेंगे बीवी की बातों में आकर माँ बाप से अलग रह रहा है। समझ लो, ये सब मुझसे नहीं होने वाला है। क्या बोले? तो तुमसे नहीं हो पाएगा? तो फिर तुमसे होगा क्या? माँ बाप के कहने पर मुझे तलाक दे दोगे क्या? सुनो, ये सब फिजूल की बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। सुबह से शाम तक ड्यूटी करो और उसके बाद फिर इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। थोड़ा शांति से रहने दोगे भाई? तो फिर लाइट बंद करो।
तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी, मुझे अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो भी फैसला लेना होगा मैं ही लूंगी। बेटी लक्ष्मी, 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 बेटी लक्ष्मी, दरवाजा खोल लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। बेटी ये क्या कर रही है तू? रतनी, हे रतनी, रतनी। हे रतनी, हे भगवान, लक्ष्मी, लक्ष्मी, गुस्से में तुझे कुछ बोल दिया तो क्या तुम अपनी जान दोगी? माँ, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं मर जाती थी तो अच्छा होता। बेटी, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा नहीं। हम जरूर ये अग्नि परीक्षा पार करेंगे। तेरी बीवी को अस्पताल से कब डिस्चार्ज करेंगे? पापा बोल रहे थे कल ही डिस्चार्ज कर देंगे। पैसे कितने खर्च हो गए? वो मुझे नहीं पता, पापा ने फसल बेच के पैसा रखे थे उसी में से खर्चा किए होंगे। अरे तू भी तो कुछ काम में हाथ बटा, ये क्या उम्र है पापा की काम करने की? हा? देख देख, आंखें फाड़ के देख। अरे सरकार ये सब लगाती है ताकि तुम पढ़ के कुछ समझ सको, पर तुम तो बस देख कर ही। अच्छा, तेरी तो दो लड़कियां हैं, तो क्या जरूरत थी एक और पैदा करने की? मुझे क्या पता था, होते होते हो ही गया ना। होते होते हो गया। ले खा खा। क्या रामू काका, काकी घर पे नहीं है क्या? लक्ष्मी पानी दे रही है? वो अंदर खाना बना रही है। और बोल, सुबह सुबह इस तरफ कैसे आना हुआ? कल कटक गया था कुछ कोर्ट के काम से, लौटने में थोड़ी देर हो गई तो दीदी के घर पे रुक गया था। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चल एक कप चाय पी के जाना। हाँ ठीक है, चलिए। बैठ। अरे बेटी लक्ष्मी, दो कप चाय बना के लाना। और काका, इस बार पूरा धान का चावल बनाया कि सब बेच दिया? हाँ, थोड़ा कुछ चावल बनाया, बाकी सब बेच दिया। मन अच्छा होगा तभी तो कुछ करूंगा। क्यों, क्या हुआ? तू तो देख रहा है बेटा, लक्ष्मी 2 महीने से यहां रह रही है, अब तुझसे क्या छुपाना। दामाद ने नोटिस भेजा है
वो लक्ष्मी से अलग होना चाहता है, उसे तलाक चाहिए। तलाक चाहिए? लेकिन क्यों? लक्ष्मी मां नहीं बन पा रही है इसीलिए। वैसे मैं उन्हें समझाने के लिए उनका घर भी गया था। शादी से तुम्हें क्या परेशानी है? अरे परेशान तो हम हैं। अपने दीपू के लिए तो कितने सारे रिश्ते आए थे, केवल इनके कहने पर तुम्हारे घर शादी करनी पड़ी। कह रहे थे लड़की बहुत सुंदर है। समधी जी, बस इस बार उसे एक मौका दीजिए, नहीं तो बेचारी जीते जी मर जाएगी। जी के भी क्या कर रही है, शादी के 2 साल हो गए, बच्चों का कोई नामो निशान नहीं, और कह रहे हैं बेचारी। समधी जी जरा सोचिए, क्या ये उसके साथ न्याय होगा? ये न्याय व्याय हमें मत सिखाओ। अगर सही तरीके से तलाक नहीं दिया तो बात होगी कोर्ट में। ए, तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? जा अंदर जा। देखो, तुम्हें यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत नहीं। इस गांव में हमारा बहुत मान सम्मान है। अगर भला चाहते हो तो चुपचाप तलाक दे दो। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो तुम? चलो अंदर चलो। समझी जी, लक्ष्मी आज से तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। अब तुम उसकी चिंता ना करो। अरे दीपो, वहां क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। कल तो एक बड़ी घटना होते होते रह गई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कुछ हो गया और आप लोग चुपचाप बैठे हो? क्या करें, बात बढ़ेगी तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास क्या है जो केस लड़ेंगे? लड़ोगे नहीं तो क्या घर पे बैठे मरोगे? अरे सरकार ने कितने सारे नियम कानून बनाए हैं। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, अपनी लक्ष्मी को न्याय मिलेगा, ठीक है? और बाकी रही कोर्ट कचहरी की बात, तो आपको 5 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आएगा कहाँ से? काकी अपनी लक्ष्मी का केस सरकार लड़ेगी। सरकार लड़ेगी? क्यों? काकी अपने देश में बहुत से लोग चाह के भी कोर्ट में केस नहीं लड़ पाते, उन्हें ठीक से न्याय नहीं मिलता। लेकिन सरकार चाहती है कि सबको उचित न्याय मिले। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, उसका फायदा लेना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑफिस जाकर अपनी समस्या बतानी है। सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। काकी, इसमें अविश्वास की कोई बात ही नहीं है। सरकार की तरफ से एक वकील मिलता है, उसके अलावा कोर्ट फीस और बाकी जरूरी जितने भी खर्च होते हैं वो सब सरकार खुद उठाती है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था। खेत और घर, बाहर भी इसके अलावा एक दुनिया है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। हाँ काका, आप रेडी हो जाओ, मैं घर से होकर आता हूँ, एक साथ चलेंगे, ठीक है? और साथ में लक्ष्मी को भी ले जाएंगे। और हाँ काका, कोर्ट पेपर भी साथ में रख लेना, ठीक है? जी, मेरा नाम मंगुली है, मंगुली मलिक। घर? पितापल्ली।
अच्छा, तुम्हारे पोते की उम्र क्या होगी? 12 हो के 13वां चल रहा है। अच्छा, पोते को हुआ क्या है? साल भर पहले मदनपुर गांव, मेरा मौसी का बेटा, हिसाब से मेरा मौसी का बेटा, नाम है रघु, मेरे पोते को पढ़ाने के लिए ले गया था। 3 महीना हो गया, ना उसकी खबर है ना मेरे पोते की। अच्छा, तुम्हारे गांव में कोई स्कूल नहीं था जो उसे उसके गांव में भेजना पड़ा? पैसा होता तब तो पढ़ाता, इसीलिए मैंने पोते को रघु के साथ भेज दिया। सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा। सब मिट्टी में मिल गया हुजूर। रमेश बाबू मदद किया, इसीलिए यहां तक पहुंच पाया। अरे अरे, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग बोल रहे हैं कि मेरा पोते को कहीं बेच दिया। मैं गरीब आदमी हूं साहब, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पोता मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, मिलेगा क्यों नहीं। अब तुम्हारे पोते को ढूंढने की जिम्मेदारी है न्यायिक सेवा प्राधिकरण की। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। क्या हुआ मंगुली, इतने परेशान क्यों हो? इतना समझाया मैंने तुम्हें, थोड़ा सब्र करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। यहां एक दस्तखत करिए। रमेश बाबू, मंगुली मलिक के सारी जानकारियां और सारी शिकायतें हमने लिख ली है। अब हमें अपने जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण सचिव से मिलना होगा और मंगुली मलिक के बारे में सारी जानकारियां देंगे। अभी ये जा सकते हैं। जी हुजूर, तो मैं फिर कब आऊं? हम आगे की कार्रवाई करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। अभी आप जा सकते हैं। जी जी। रामू काका, अंदर आ जाइए। सर, ये है रामू काका। नमस्ते। और नमस्ते। ये है उनकी बेटी लक्ष्मी। नमस्ते। बैठिए बैठिए। सर, 3 दिन हो गए, लक्ष्मी के पति ने उसके तलाक का नोटिस भेजा है। काका जरा वो नोटिस दीजिए। हाँ, ये लीजिए। सर, आप ही के भरोसे हम हैं। केस लड़ने के लिए हमारे पास ना पैसा है ना ताकत, जो करना है आपको ही करना है। बिल्कुल भी परेशान मत हो रमेश बाबू, अच्छा किया जो इन्हें हमारे पास ले आए। एक्चुअली रमेश बाबू, आपके कारण इस गांव के बहुत से लोगों को न्यायिक सेवा प्राधिकरण की सुविधा मिली है। जी, आप ही ने तो मुझे पैरालीगल वॉलंटियर बनाया है। मेरा काम तो बस लोगों को बताना है, पर असल काम तो आपसे ही चालू होता है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन लोगों को प्रारंभिक सूचना देना बहुत बड़ी बात है। जी रमेश बाबू, सचिव अंदर बैठे हैं, तो अब आप इन्हें सचिव के पास ले जाओ, इनकी समस्या के बारे में बताओ, उसके बाद हम फॉर्म भर देंगे और क्या। जी ठीक है। ये लीजिए, ये नोटिस सर को दिखा दीजिएगा। अच्छा, चलिए चलते हैं। शुक्रिया सर। अच्छा लक्ष्मी, तुम तलाक देना चाहती हो? अच्छा तुम मुझे बताओ, उस घर में कोई परेशानी थी? क्या दीपक तुम्हें परेशान करता था? बोलो लक्ष्मी, सर जो पूछ रहे उसका जवाब दो, नहीं तो सर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे?
शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, अरे बेटी तूने खाया? बेटी तूने अभी तक खाना नहीं खाई? दीपू का इंतजार कर रही है क्या? उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, तू खा ले, जा। सुन बेटी, अपने लिए नहीं पर पेट में जो बच्चा है उसके लिए तो खाना जरूरी है ना। समय के साथ साथ मेरे माँ बनने के सपने भी टूट गए थे। सास और ससुर का स्वभाव भी मेरे लिए धीरे धीरे बदल गया था। खाना है हाँ? इसे आदमी खाते हैं? छी, तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया हाँ? कैसा खाना ले आई है? इंसान खाएगा इसे? बोल दे अपनी बहू को कल से अगर खाना ठीक से नहीं बना तो खाने की बात तो छोड़ो, पानी भी नहीं पीऊंगा। इतने से कपड़े धोने में तुझे कितना समय लग रहा है? और खाना कब बनाएगी? जल्दी साफ करके आ, खाना बनाना है। बांझ कहीं की? आ जल्दी। माँ, ये फोटो किनके हैं? दीपू की फिर से शादी करनी है। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। होने नहीं देगी? अरे करम जली, तू अगर होने नहीं देगी, दीपू का दोबारा शादी नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वंश की रक्षा कैसे होगी? जा जा, अंदर जा। पांच कहीं की शादी नहीं होने देगी, चलो देखो। पांच की नौटंकी तो देखो। अगर मैं नहीं आती तो मुझे मार ही देते। कोई मेडिकल टेस्ट करवाया? अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, केस को हम जिला मीडिएशन सेंटर में भेजेंगे। सुनिए, हमारे यहाँ एक मध्यस्थता केंद्र है, वहां जो मध्यस्थी हैं उनके जरिए बातचीत करके आपका समस्या का समाधान करेंगे। को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के प्यार को जो इंसान समझ ना सके,
के रूप में जानवर से भी है बुरे, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के प्यार को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। मंगुलीदा, ओ मंगुलीदा, अरे क्या हुआ? पंजाब के उस कॉन्ट्रैक्टर को ना पुलिस ने नोटिस भेजा है, देखना तुम्हारा पोता अब जल्दी मिल जाएगा। सब तेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, सब न्यायिक सेवा प्राधिकरण की वजह से, समझे? देखो लक्ष्मी, तुम्हारा केस पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे और दीपू के बीच समझौता हो सकता है। तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम्हारे सास ससुर पुराने ख्याल के लोग हैं। वो अगर कुछ भला बुरा कहते हैं तो थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। देखो, घर तोड़ना बहुत आसान है पर घर जोड़ना बहुत ही मुश्किल। तुम्हारे पिता ने सब बेच बाज कर तुम्हारी शादी की है, अब क्या उनमें तुम्हें पालने की हिम्मत है? अब तुम बताओ, अगर दीपू तुम्हें रखने के लिए राजी होता है तो तुम साथ में रहोगी? मैं कैसे रहूंगी मैडम, मेरे सास ससुर तो उनके लिए दूसरी लड़की भी देखना शुरू कर दिया है। मुझे तो वो जान से मार देंगे मैडम। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम उसके पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। इसके अलावा हर घर में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है, तो क्या हमें घर छोड़ देना चाहिए? आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम दीपू के साथ बातचीत करेंगे। क्यों है ना, अभी आप बाहर इंतजार करो, जब बुलाएंगे तब आना। जी चलती हूँ सर। चलती हूँ मैडम। नमस्ते। जरा दीपू बाबू को भेजो। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। अच्छा दीपू बाबू, आप पेशे से ड्राइवर हैं? जी हाँ। कितने दिनों से आप गाड़ी चला रहे हैं? 5-6 साल हो गए होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तलाक का प्लान तुम्हारा है या तुम्हारे माँ बाप का? देखो दीपक, मैंने लक्ष्मी के साथ बात की है, उसके बच्चे ना होने के कारण तुम्हारे माँ बाप कैसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारी दूसरी शादी के लिए लड़की भी देख रहे हैं। जरा सोचो, अगर उस लड़की से भी बच्चा नहीं हुआ तो क्या उसके साथ भी मारपीट करोगे या छोड़ दोगे? देखो, बच्चे ना होना केवल लड़की के ऊपर निर्भर नहीं करता, लड़के के ऊपर भी निर्भर करता है। आप जाकर डॉक्टर से सलाह लें, हो सकता है कि कमी उनमें नहीं आप में हो। अगर आप में कुछ कमी मिली तो आप क्या करोगे? देखो लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुम अपने माँ बाप को समझाओ, बीवी से कैसे व्यवहार करना है पहले वो सीखो। अगर तुम दूसरी शादी करते हो तो 2 जीवन बर्बाद हो जाएंगे। हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, केस आगे बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। लक्ष्मी मैडम को अंदर भेजो। बैठिए। देखिए इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। हम आपको 1 दिन का समय दे रहे हैं, दोनों मिलकर घूमो फिरो, अकेले में बैठो, बातें करो, घर में जाके सबको समझाओ, उसके बाद हमारे पास आओ। देखो घर तोड़ना बहुत आसान है पर घर जोड़ना बहुत मुश्किल।
तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकलता है। केस को आगे मत बढ़ाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में है। अभी आप घर जाइए, घर जाकर समाधान का रास्ता निकालिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं मैडम। छोटे से इस दिल की छोटी छोटी बातें जो हम समझ ना पाए गहरे जख्म दे जाए, दिल से जो दिल ना मिले मंजिल पाओगे कैसे, जिंदगी की राहों में संग चलोगे कैसे, इंसान के रूप में जानवर से भी है बुरे, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। जब से लड़की तुम्हारे घर से आई है रो रो कर उसके दिन कट रहे हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब तुम्हें हमारा आखिरी भरोसा हो, अगर तुमने उसे साथ नहीं रखा तो जीते जी मर जाएगी। अभी आप लोगों ने क्या फैसला किया? कल का दिन अगर मैं लक्ष्मी के साथ नहीं बिताता तो मैं जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर बैठता। जी, लक्ष्मी मेरे साथ ही रहेगी। लक्ष्मी को अपने साथ घर ले जाऊंगा। तो तुम दीपू के साथ जाओगे ना? न्याय नीति और कानून भी साथ मिले, एक बार इसकी तरफ आओ तो कदम तो चले। है जो न्याय नीति और कानून भी साथ मिले, एक बार इसकी तरफ आओ तो कदम तो चले। दर्द इस दिल के अपने अब दूर होंगे, बुझे हुए चेहरों पर फिर से फूल खिलेंगे। पांच को लेकर फिर वापस आ गया? माँ, लक्ष्मी वैसी नहीं है। अगर मैं कहूं लक्ष्मी की वजह से नहीं मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो आज हमने मेडिकल टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट में आया है इसकी कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। तू बोल मां, तू क्या मुझे घर से बाहर निकाल देगी?
लक्ष्मी के केस का समाधान तो मेडिएशन सेंटर में हो गया, पर मंगोली को जाना पड़ा अदालत। राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण के उचित हस्तक्षेप की वजह से मंगोली के नाबालिग पोते को कॉन्ट्रैक्टर से आजाद कराया गया और चश्मदीद गवाहों के आधार पर मान्यवर कोर्ट ने बाल श्रमिक निषेध नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत रघु सामल को जेल और जुर्माना से दंडित किया। आप लोगों ने देखा कि कैसे मंगोली और लक्ष्मी न्यायिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लेकर सुखी हुए। उनके जैसे समाज में अनेक अवहेलित और उपेक्षित लोग हैं जो न्यायिक सेवा प्राधिकरण से सहायता पाकर खुशी से जी रहे हैं। आर्थिक कमजोरी और सामाजिक उपेक्षिता भी इन्हें न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकती। कहे तो कहे हम।